हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी C11 के अंदर डुअल ऐप कैसे करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास है ये रियलमी का C11, उसके अंदर डुअल ऐप कैसे करें। आपको कई बार एक एप्लीकेशन से दो एप्लीकेशन बनाने की कई बार जरूरत पड़ती है आपको। अगर आपके पास है रियलमी का कोई भी डिवाइस, तो उसके अंदर आप एक एप्लीकेशन से दो एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंपल सिंपल स्टेप है, वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। काफ़ी सिंपल सिंपल स्टेप है, वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आधी वीडियो देखेंगे तो उससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले अब तक हम अपने हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारा अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो साहब, हम कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डुअल ऐप कराने के लिए आपको सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। आप जैसे ही सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप क्लोनर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, दो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलते हैं, अमेजन शॉपिंग एंड फेसबुक। ऐसा नहीं कि इसमें ये दो ही एप्लीकेशन चलेंगे, इससे ज़्यादा भी चल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करेगा। सोशल मीडिया के जितने भी एप्लीकेशन हैं सारे सपोर्ट करेगा, उन्हें एक से दो एप्लीकेशन बनाने के लिए दिए। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सारे एप्लीकेशन इसमें सपोर्ट करेगा। जैसे ही आपको शॉपिंग अमेजोन है, मैं इसको क्लोन ऐप बना कर दिखा दूँ। जैसे क्लोन ऐप ये बन चुका है। दूसरा है फेसबुक, ऐसा भी हम क्लोन कर देंगे। अब मैं आपको बता दूँ कि ये क्लोन ऐप बने हैं या नहीं बने हैं डुअल ऐप। तो यहाँ से हम आ जाते हैं होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारा एक तो अमेजोन यहाँ है, आप दूसरा अमेजोन और फेसबुक यहाँ देख पाए हैं। क्लोन ऐप ऊपर हमारी एक फेसबुक है। अब साथ ही साथ मैं आपको बताते हैं क्लोन ऐप पे, यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ये कोने में बने हुए साइड में, क्लोन ऐप पे, जो आप जैसे यहाँ से पहचान सकें कि हमारा ये क्लोन ऐप है, ये वाला वैसा एप्लीकेशन है। अब बात आ गई, हमने डुअल ऐप तो बना ली है, इन्हें अगर जरूरत पड़ी कभी डिलीट करने की, तो इन्हें डिलीट कहाँ से करें? तो सिंपल सा, अपने डिलीट करने के लिए वहीं चलते हैं हम सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है ऐप्स क्लोनर। ऐप्स क्लोनर पे आप यहाँ पे इसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे ऑफ कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ से डिलीट। ऐसे ही आप इसे भी डिलीट कर देंगे, फेसबुक को यहाँ से होगा डिलीट। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में डुअल ऐप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे डिस्प्ले को कोई भी डुअल ऐप नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।